अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। खून सफेद हो गया, चकवाल के गांव पीरवाल में नौजवान ने फायरिंग करके भाई भाभी और उनके चार बच्चों को कत्ल कर दिया। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में मजीद 8 अफराद की जिंदगियों के चराग गुल। रेंजर्स का लियारी में ऑपरेशन, 11 अफराद गिरफ्तार। तुर्बत में इंसानियत सोज वाकया, मुसाफिर बस से 2 अफराद को उतारकर फायरिंग के बाद कत्ल कर दिया गया। चिनियोट के इलाके भवाना में पुरानी रंजिश पर नौजवान के सर के बाल भंवे और मूंछें मूंद डाली। 11 से तोते तले दबे मजीद 2 जवानों के जस्ते खाकी मिल गए। मुल्तान और सियालकोट में शहदा की याद में शमे रोशन। पंजाब के सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। अहमद मुख्तार कहते हैं तवानाई बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ हाथ से पंखा झलना छोड़ दें। बगैर इजाजत पेशावर आने वाले अमरीकी सिफारती अहलकारों की गाड़ियों से असलहा बरामद। 3 पाकिस्तानी मुलाजिम शख्सी जमानत पर रिहा। भारतीय हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाक भारत तिजारत में कस्टम क्लियरेंस रुकावट है। खोखरा पार मुनाबाव सरहद खोलना चाहते हैं। और हॉलीवुड में परियों की कहानी ने